तो तैयार हो जाइए जादू देखने के लिए, मैं सिद्दीकी स्नैप सॉल्व से। देखिए क्वेश्चन आज सिंप्लीफिकेशन का है, 2.1366 पे बार है, एक सेकंड में सॉल्व होगा। सॉल्व करने बैठेंगे 10 से 15 मिनट जाएगा, यहाँ पर एक सेकंड में सॉल्व होगा। बस नोट करो 2.1365, जिस पर बार नहीं वही माइनस कर लो, तो माइनस किया तो कितना हो गया 135। अब जितने नंबर पर बार है उतनी बार 9 लिखो और जिस पर बार नहीं है वो लिखो 0। अब इसको कैंसिल कर लो तो आंसर मिलेगा 23/22, मतलब इसको कैंसिल करने पर 23/22 एक सेकंड के अंदर आंसर फाइंड किया गया। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ, नई नई ट्रिक्स के लिए अकाउंट को फॉलो करें। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 2 सेकंड का भी काम नहीं है, जब भी इस तरीके से नंबर आए √20, √20, √20, सो इनफाइनाइट तक या कोई भी नंबर आए उनको दो पार्ट में डिवाइड करिए। जैसे मैंने डिवाइड किया 5, 4, 20 और दोनों का डिफरेंस याद रहे 1 होना चाहिए। 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1, तो डायरेक्टली आंसर लिखो इनमें से जो बड़ा नंबर रहेगा। बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो इसका आंसर 5। क्यों बड़ा नंबर लिया, क्योंकि सिंबल प्लस है। अब इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, 3, 2, 6, दोनों में छोटा नंबर अब कौन सा है, इसका आंसर मिलेगा 2 और दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का। छोटा नंबर क्यों लिया, क्योंकि माइनस सिंबल आया। बड़ा नंबर लेंगे तो प्लस सिंबल और छोटा नंबर लेंगे तो माइनस सिंबल रहना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके पूछे इस टाइप का, तो बस कितने टाइम 9 आया है 1 टाइम, वही 9 नोट कर लो। और यहां पर कितने टाइम 9 आया 1 टाइम, 1 टाइम 0 नोट करो। और ये दोनों का डिफरेंस देख लो अंतर, 7 और 9 का डिफरेंस कितने का है 2 का, यही माइनस कर दो और यही हो जाएगा आपका आंसर। कितने टाइम 9 आया है 1 टाइम नोट कर लो, कितने टाइम 9 है 2 टाइम, 2 टाइम 0 नोट करो। और इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितने का है 4 का है, माइनस कर देंगे यही, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ। ज्यादा डाउट है अभी जाइए प्ले स्टोर पर और स्नैप सॉल्व ऐप को डाउनलोड करो।